सर, प्रणाम सर, अभिषेक मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ नमस्कार, बताइए। सर ये जो छात्रों का सर ये हेल्थ डायरी वाली सर स्वास्थ्य पुस्तिका वाला जो मामला था उस पर सर आपको पत्र वो भी गया था, पत्र भी गया था, मेल भी गया था सर, तो उस पर सर आपका क्या अभी तक कुछ उस तरीके का सर ऑफिशियल कोई देखिए ऐसा बयान नहीं है, आया सर। आप तो ये जानते ही हैं कि जो ये जो आपका ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये तो मेंटेन करना ही है, जी ठीक जी है? ये तो सर है, ये तो मान लीजिए लाजमी ठीक है है, सर। हाँ लाजमी है सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, जी जी बच्चों सर, के लिए, जी जी सर, ठीक है? तो अब इसीलिए हम लोगों ने ये जो रखा है कि बस 25-25 लोगों को हम लोग, उन लोगों को बुलाते हैं जो जो जिन लोगों के साथ टेली सर वो तो चीज़ें टेली हैं सर। हम सर बात कर रहे थे जो सर हम लोग के यहाँ जो शुरू में एडमिशन होता है विद्यार्थी का, तो स्टूडेंट वेलफेयर के नाम से सर 350 रुपये का हम लोग शुल्क जमा करते हैं और हर वर्ष होता है सर। ठीक है। उसके तहत सर ये स्वास्थ्य पुस्तिका सर निःशुल्क जाँच और निःशुल्क ट्रीटमेंट की व्यवस्था अपने यहाँ सर पिछले 200 साल से सर रही है सर, शुरू से ही सर रही हाँ है। लेकिन सर ओके, लेकिन सर आपके इस कार्यकाल में सर ऐसा किया जा रहा है कि बच्चों को शुल्क जमा करना पड़ रहा है और ऐसा है, पर्ची सुनिए सर कटवाना पड़ रहा है सर, और मैम, ऐसे समय में जिस समय सुनो सुनो जी सर सुनो जी सुनो, जी ऐसा है, यूजीसी हमको सिर्फ 60 करोड़ रुपए देता है, जी सर ठीक है? जी सर और हमारा जो बिजली का बिल आता है पूरे कैंपस का, जी यहाँ का सर और बरकछा मिला करके, सिर्फ जी सर 66 करोड़ रुपए का आता है, जी ठीक सर है? जी सर तो 60 करोड़ की आपकी आमदनी हुई जी और सर 66 करोड़ का तो बिजली का बिल चला गया, जी जी सर बाकी क्या बचा आपके पास? शेष धनराशि जो बची बहुत ही मैंने पर्याप्त मात्रा में नहीं है सर, आपके कहने का नहीं, प्रणाम शेष सर। तो बचा ही नहीं, जी ये सर तो घाटे की अर्थव्यवस्था हो गई जो लेकिन सर आप सर इस कांग्रेस बात ने को भी चलाई है। ध्यान सुनिए दें सर कि इसके पूर्व में भी तो सारी सुनिए व्यवस्थाएं ना, चल रही सुनिए थी आप सर। पूरी पूरी बात सुनिए। जी सर तो ये क्योंकि ये अगर हम कुछ नहीं चार्ज करेंगे तो जी सर अस्पताल बंद हो जाएगा, आप चाहते हैं अस्पताल बंद हो जाए? सुनिए सर ऐसी बातें नहीं है सर, इसके पूर्व में भी सारे लोग आए सर और सबने ऐसा किया ना, ही सर, तो अरे आप इस भाई बात को सुन तो लो ध्यान ना, दें चीज सर, क्योंकि सर इस आप, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है अरे भाई विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले के लिए जी सर कोई मतलब महामना जी जी आम सर का तो पेड़ लगा गए हैं, जी नहीं लेकिन सर मैं चाहता था कि कुछ रुपयों का भी पेड़ अगर लगा जाते तो जी हम सब सर कुछ फ्री कर देते, कोई जी सर प्रॉब्लम नहीं है, सर ठीक है? सर लेकिन ये आप हमारे लिए, हमारे लिए, जी हमारे सर लिए ये एक बहुत बड़ी मजबूरी है, ठीक जी सर है? जी जी सर देखिए मैं भी पैसा देकर ही दिखाता हूँ, मैं भी खुद, ठीक जी सर है? जी सर मेरी भी तनख्वाह से कुछ इन लोग काटते हैं, जो भी काटते हैं मुझे नहीं मालूम, ठीक है? जी जी सर जी सर कुछ पैसा काटते हैं, 500 रुपये महीने काटते हैं, क्या काटते हैं, जी पांच सौ सर रुपये महीना काटते हैं मेरी तनख्वाह से भी, जी सर कि अगर मुझे कुछ अपने आप को दिखाना होगा तो जी सर 500 रुपये महीना मुझे जमा करना पड़ता है, ठीक है? जी जी सर तो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, जी जी सर ये अगर बच्चों को 20 रुपया चार्ज करने के पहले हम जी सर खुद 6,000 रुपया साल देते हैं, जी सर इसलिए देते हैं कि भाई अगर हमको कोई बीमारी होगी, फॉर्चुनेटली हमको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है? सर आपसे लेकिन अगर अंततः कोई, सर एक ये एक ही निवेदन रहेगा कि इसकी कोई और वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाई जाएं सर, लेकिन ये स्वास्थ्य पर सर आप जो भाई निःशुल्क व्यवस्था वैकल्पिक, थी उसको ही सर आप लागू करें, और सर ये व्यक्तिगत किसी छात्र का मामला नहीं है सर, ये मैंने 33,000 विद्यार्थियों का मामला है। आप एक काम और कीजिए, आप एक काम करिए, सुनिए जी सर सरकार को कहिए कि जी 60 करोड़ के बजाय जी सर 70 करोड़ साल में दे दिया सर जाए, हम हम इस कर बात देंगे को फिर। जरूर कहेंगे, लेकिन मुझसे ज्यादा अथॉरिटी आपको मिलती जब है आप सर। करवा देंगे, सर आप मुझ 60 का 70 करवा देंगे तो ये 20 रुपये बंद कर देंगे तो नहीं नहीं पक्का। सर, आप सर एक विद्यार्थी से ज़्यादा आप अथॉरिटी आप रखते हैं और उसके लिए सर आप अधिकृत हैं सर, आप अगर बात करेंगे तो भाई मैं ज़्यादा क्या पूछ प्रभावशाली रहा हूँ, होगा। मैं पूछ रही हूँ आपसे, जी सर हम तो हर साल उनको भेजते हैं कि 60 नहीं, हम तो कहते हैं 120 करोड़ रुपया दो, हम हर साल लिख के भेजते हैं, नहीं तो सर इसके और हर पूर्व में साल भी तो जाके और भी लोग कहते हैं आए सर, आप जैसे और भी लोग आए, उन्होंने इस उनके तरीके की तो व्यवस्था का समय संचालन दीजिए। किया सर। सुनिए जी सर आप ये समझ तो समझिए इस चीज को जी सर कि कोविड में सरकार को टैक्सेस बड़े कम मिले हैं, जी सर अगले साल हमको शायद 60 करोड़ भी नहीं मिलेगा, सर ये समझ रहे हैं कोविड आप? की चीजें नहीं है सर, ये कोविड का सर आप जो भी आप कहें सर, लेकिन
आपसे यही निवेदन रहेगा कि सर आपसे एक बार हम मिलना चाहते हैं सर, आपको निवेदन करने से मेरी जेब में अगर पैसे हों तो मुझे खर्चा करने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पहले पैसा आना पड़ेगा ना, तभी तो सर अगर आप इसके लिए कैपेबिलिटी अपनी नहीं रख पा रहे हैं कि सर मैं सरकार के माध्यम से ले पाऊं, तो सर आप इस्तीफा दे दीजिए, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, हम लोग भी संतुष्ट रहेंगे कि हमारे सर ने छात्रों के हित के लिए उन्हें पदों से अपना वो कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, मालवीय जी की गरिमा बनी रहेगी सर। ऐसा है कि अगर ये भी करने से यहाँ का बजट बढ़ जाता होता तो मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है सरकार की हालत इस टाइम पर कोविड के बाद काफी खराब है। उसके पूर्व में सर तो और बजट कम मिलता था सर, उस समय कैसे ये संचालित होता था सर, ये आप बहुत छोटी सी माने वो बात है सर कि इसके पूर्व में तो और भी बजट कम मिलता था। संचालित होता था हम बताते हैं आपको जी सर। क्या है कि ये बिजली का जो खर्चा है, जैसे जैसे अस्पताल बढ़ते हैं जी सर, ठीक है जी सर, वैसे वैसे बिजली का खर्चा बढ़ता जाता है जी। अब अस्पताल में सबसे ज्यादा बिजली का खर्चा अस्पताल में ही होता है, ठीक है जी जी सर। हम ये नहीं कर सकते कि अस्पताल की बिजली काट दें, तो नहीं कर सकते, ठीक है ना जी सर। तो इसलिए इसको समझना पड़ेगा कि जो तेल जो है तेलों में से ही निकलता, ठीक है, तो ये जो अस्पताल अगर हमें चलाना है तो उसके लिए हमको बिजली देनी पड़ेगी जी सर। उसके लिए तो छात्रों का दोहन ना हो सर, उसके लिए सर और भी कोई दोहन नहीं हो रहा है। आप तो सर आप तो यहाँ से आए हैं, आप तो सर समझ रहे हैं सर, आप जेएनयू से आए, वहाँ तो हम लोग से ज्यादा फंडिंग होती है। सुन तो लीजिए, देखिए अभी मैं बता रहा हूँ, जेएनयू में हमसे चौथाई बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है जी सर, इसलिए वहाँ पर काम चल जाता है। जिस दिन वहाँ पे चार गुने हो जाएंगे वहाँ पे भी यही हालत हो जाएगी, ठीक है जी सर। तो अभी वहाँ कम बच्चे इसलिए थोड़ा चल रहा है वहाँ पर किसी तरीके से, लेकिन सर है सर, आप अधिकृत हैं सर, आप शासन को पत्र लिखें और जो भी आपको ऐसा लगता है। हम तो पत्र नहीं, हम पत्र ही खाली लिखते हैं, हम जाकर हर मीटिंग में जाकर के इस बात का पुरजोर कोशिश करते हैं कि हमारा आप बजट बढ़ाइए सर। अंत में आपसे कहीं निवेदन है सर कि कल मैं आपसे मिलना चाहता हूं सर, आप जो भी 2 मिनट 4 मिनट का समय दें सर, आप हम लोगों से मिल कल तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, हमारा सिलेक्शन कमेटी चल रही है, तो सर कल नहीं देंगे तो फिर कब समय देंगे? आप जैसे देंगे सर उसी कथनानुसार ही हम लोग मिलेंगे सर। आप तो जो बात कह रहे हैं यही बात कहेंगे ना? नहीं सर, हम लोग थोड़ा मिल के और भी फोन पर बहुत सारी बातें हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग मिलेंगे सर, आपको देंगे सर पत्रक, आप उसको स्वीकार करिएगा सर, चाहिएगा दे दीजिएगा, पत्र के बजाय आप ईमेल भेजिए, पत्र आपका पढ़ नहीं सर, हम लोग थोड़ा सा मेल हुआ है उस पर कोई आपका कोई नहीं, जो मेल होता है उसका हम जब हम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखते हैं तो उसमें हमारा मेंशन कर देते हैं कि भाई हमने बच्चे लोगों ने कहा हुआ है, उनको दिक्कत हो रही है, ये सब बात हम मेंशन कर देते हैं जी सर। लेकिन सर निवेदन यही रहेगा कि आप सर विद्यार्थियों का मामला है सर, संवेदनशील और किसी बहुत सारे गरीब बच्चे यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं जो अपने स्वास्थ्य को लेकर सर घर से वो घर के लोग उनके कैपेबल नहीं है सर इलाज कराने के लिए सर। भाई माना, लेकिन देखिए और आप सर सोचिए कि उसी जेएनयू में ₹10 सिर्फ फीस की बढ़ोतरी की बात हुई तो इतना बड़ा सर यहाँ मैंने वो हुआ सर, हम लोग तो कितने कोऑपरेट करते हैं विश्वविद्यालय को चलाने के लिए सर। आज कल जेएनयू में जाके देखिए बहुत फीस बढ़ा रहे हैं वो, चिंता मत कीजिए, जेएनयू में आजकल खूब फीस बढ़ रही है। तो सर छात्रों का इसमें सर छात्रों का ही दोहन होगा सर? नहीं, दोहन नहीं जी सर, ये है देखिए, दोहन हम तब मानेंगे जबकि हमारे पास हम उनसे दो करके हमारा कोई बैंक बैलेंस बढ़ रहा हो तो उसे हम दोहन मानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि जितना बजट आ रहा है उससे काम ही नहीं चल रहा, वो तो सब बिजली के बिल में खत्म होने जा रहा है, तो अगर अस्पताल चलाना है तो हमको सबको देखिए, छात्र से आपने बताया 350 रुपए लेते हैं, ठीक है, 20 रुपए से पर्ची ले लेते हैं, साल भर में मान लीजिए 500 रुपए ले लेते हैं, मान लीजिए, लेकिन हम 500 रुपए हर महीने देते हैं इसीलिए कि भाई अस्पताल चलता रहे, बंद ना होने पाए। हाँ सर, तो ये बात को देखिए सर कि जो विश्वविद्यालय में अधिकृत अधिकारी है कि 20 रुपया ये बंद हो जाए
और अस्पताल भी साथ साथ बंद हो जाए। नहीं, मैं अस्पताल बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ सर, सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि पूर्व के अनुसार सर जो पैसे मामले जो चलते थे, जो पहले जो तौर तरीके से चलते थे, छात्र अध्यापक और कर्मचारी सर तीनों लोगों को ये जो निःशुल्क स्वास्थ्य पुस्तिका की व्यवस्था है सर, निवेदन है सर, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां सर कहेंगी कि आप विश्वविद्यालय में कैसे हमारे सीनियर थे, किस बातों पर उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया। ₹500 महीना हम भी देते हैं, इसीलिए सर हम 350 की जगह पर हम खुद 500 हम अगर छात्र कैपेबल करेंगे सर उसको पे करेंगे, आप बढ़ा दीजिए उसमें सर एनुअली सर साल में 100-200 जो भी संख्या हो, लेकिन सर स्वास्थ्य पुस्तिका सर आप निशुल्क देने का प्रयास करें सर, चलिए हम आपकी हम आपकी इस बात को डीन ऑफ स्टूडेंट्स के पास रख देंगे कि अगर कुछ ऐसा हो सकता है कि पुस्तिका का दाम बढ़ा दें और रोज रोज न लें जी सर, हम उनसे कहेंगे कि अगर लेकिन सर निवेदन पुनः रहेगा कि सर आप एक बार मिलें सर, मिलकर हम लोग, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत नहीं सर, मैं एक ओपिनियन अपना दे दूंगा तो ये भी होगा कि और भी इससे बेहतर ओपिनियन देने वाले लोग हैं, तो सर आपसे निवेदन है कि सर आप दोस्त मैंने जो बताया आपको जी सर कि हम अपने डीन ऑफ स्टूडेंट से कह देंगे और अस्पताल से कह देंगे कि हिसाब लगा लो कि 20-20 रुपया करके आप कितना रुपया इकट्ठा करते हो, ठीक है जी सर, ठीक है, उसको बच्चे ये चाहते हैं कि जो साल में 350 रुपया लेते हैं उसमें जोड़ दिया जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम करवा देंगे, ठीक है, ठीक है सर, फिर भी सर आपसे निवेदन है सर आप छात्रों को मौका दें सर, आपसे मिलेंगे अगर अगर आप ये चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एक साथ देना चाहते हैं या मिल करके देना चाहते हैं जी? नहीं सर, हम लोग मिलकर सर अपनी बात रखेंगे थोड़ा सा, और कोविड को ध्यान में रखते हुए सर सोशल डिस्टेंसिंग का भी सर पालन होगा, उसमें कोई सर हम लोग कोई कोविड का तो ध्यान अगर रखते हैं आप जरा सरकार का इस समय कोई भी खर्चा बढ़ाने की बातचीत मत सोचिए, क्योंकि सरकार बहुत बुरी हालत में है आजकल, आपको मालूम होना चाहिए। हम सरकार की बात नहीं कर पाएंगे सर, हम छात्र हैं, हम छात्र की बात करेंगे, और विश्वविद्यालय का सर मुखिया अगर सरकार की बात करेगा तो फिर वो सरकार का आदमी हो जाएगा सर, वो विश्वविद्यालय का फिर नहीं आदमी होगा। सरकार का बात नहीं, पैसा तो सरकार ही देगी ना। लेकिन नहीं सर, यहाँ आप सर गलत हो जाएंगे सर, इसलिए कि एक विश्वविद्यालय का कुलपति सर अगर सरकार के बारे में सोचने लगे तो फिर कहीं सड़क से उठा लाएंगे? नहीं नहीं सर, तो आप उसके लिए सर आप सरकार से ही तो लाएंगे ना। जी जी सर, पैसा तो सरकार देगी ना। जी सर, लेकिन आप सर कैसे नहीं लेंगे? छात्र हित की बात करें सर तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सर छात्रों ने बोला ना, देखिए आपको बताएं इस बार सरकार हमको जी सर 40% पैसा कम दे रही है, मालूम है आपको? जी सर जी सर, तो इस टाइम तो कोई किसी भी चीज का दाम घटाना जी इम्पॉसिबल है, एक बार जब ये कोविड ओविड से जब इकोनॉमी ठीक हो जाएगी जी जी सर तब कुछ सोची नहीं जा सकती ये बात, लेकिन जब देखिए हमारा आपको बताएं कानपुर आईआईटी वाले तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, जी जी सर, मालूम है आपको? जी सर, और यहाँ पर 6 महीने बाद हमको तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी पता नहीं, जी सर जी सर, ठीक है जी सर जी, जिस दिन तनख्वाह बंद हो जाएगी जी सर, या जैसे आईआईटी कानपुर ने क्या किया, आधी तनख्वाह दी है, जी जी सर, कहा है कि आधी तनख्वाह अभी ले लीजिए, जी जी सर, आधी तनख्वाह फिर कभी देंगे आपको, जी जी सर, ठीक है जी सर, तो ये जब तक कोविड का जब इकोनॉमी इतनी खराब हो रही है जी सर कि पिछले 6 महीने में जितने टैक्सेस आने चाहिए थे उसके 40% आए हैं, जी जी 60% नहीं आए, बिजनेस बंद रहा तो कौन टैक्सेस देगा, सोचिए जरा। जो भी हो सर आपसे पूरा सर निवेदन है सर कि आप सर छात्रों के मामले को सर बहुत ही गंभीरता से लें सर, क्योंकि सर आने वाली पीढ़ियां सर और आप भी जब चले जाएंगे सर तो ये लोग कहकर सर निहाल हो जाएंगे कि सर आए और कुछ छात्रों का अहित करके चले गए सर, छात्रों की हित की बात करें सर, कोविड आया पूरे संसार का अहित करके चला गया, हाँ सर हम क्या कर सकते हैं, वो तो सर नेचुरल है सर, लेकिन जो आपके बस में है वो तो करें सर, टैक्सेस में जो आते हैं वो भी नेचुरली कम हो गए, ठीक है सर, जो भी हो सर आपसे यही निवेदन है कि सर आप छात्रों की बातों को और छात्रों की समस्याओं को और छात्र हित के लिए ही सर आप बात करने के लिए, जैसे तो टैक्सेस ही आएंगे ना, समझिए आप चीज को, पैसे टैक्सों से आते हैं, टैक्सेस से निकलते हैं पैसे, जी सर उसके लिए छात्र को आप महसूस के लिए सर शोषण करिए, अरे छात्र क्या चक्कर नहीं है, अगर टैक्स ज्यादा कलेक्ट होता है तभी हमें फंडिंग ज्यादा मिलती है, तभी हम कोई खर्चा ज्यादा बढ़ा सकते हैं, समझा कीजिए चीज को,
ठीक है, ठीक है सर, लेकिन सर हम लोग मजबूर हो जाएंगे सर अगर आप इस पर सर अमल नहीं करेंगे, अगर छात्रों वाले मामले पर, हेल्थ डायरी वाले मामले पर, तो हम लोग सर आंदोलन के लिए सर बाध्य होंगे सर, इसलिए आप सुनिए आप जो भी कहना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं जरूर लिखिए। हमने आपको कहा है कि आपकी बात हम इन स्टूडेंट्स को बताएंगे और अगर उसमें कोई रास्ता निकल सकेगा तो निकालेंगे, ठीक है। तो सर पहले की तो यही व्यवस्था थी कि सर छात्र जो हेल्थ डायरी मिलता था, स्वास्थ्य पुस्तिका मिलता था, उसी पर सारी ट्रीटमेंट, सारे जांच और सारे दवा होते थे। तो सर ये अतिरिक्त शुल्क की कहां सी बात आ गई सर, ये हजम नहीं हो रहा है सर। जो जितना पैसा यूजीसी देती है उससे ज्यादा पैसा का बिजली का बिल आता है, ये तो सर ये विश्वविद्यालय की, ये विश्वविद्यालय की, और आप लोग हाँ ये बहुत ही सर वो है कि आप जैसे लोग सर, जिसे जो विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर सर हैं, जो गुरुजन बंधु हैं, वो एसी लगाकर सर बैठ रहे हैं, तो वो अपने कमरे में एसी लगाना बंद कर दें। वो जो आवासीय व्यवस्था में जो उनके यहाँ पांच पांच एसी लगी है, तो उसका एक चार्ज लिया जाता है, ऐसे नहीं एसी लगाता है। नहीं सर, उसके लिए आप व्यवस्था करें सर, और ऐसा नहीं होता है तो छात्रों का सर जो है वो मुक्त करें, और जो वरिष्ठ जो उस यहाँ आपको कहा है कि आपने जो बता रहा हूँ ये जो लिख कर दिया है, मैं डीन ऑफ स्टूडेंट्स को के साथ बातचीत करूंगा और उसमें अगर कुछ हो सकेगा तो कर देंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। ठीक है सर, लेकिन ठीक है सर, प्रणाम सर, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप मिलें सर हम लोगों से। धन्यवाद, जैसे कोई दूसरा मिलने आ गया है। धन्यवाद, ठीक है सर, प्रणाम सर।